हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शताब्दी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज की इयररिंग्स। यहाँ पे पास है एक लोकल मार्केट, जो लोग भुवनेश्वर से है उन लोगों को पता होगा कि नंबर वन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, होलसेल मार्केट है। मैंने भी 3-4 साल पहले ही अपने जो इयररिंग्स की कलेक्शन है आर्टिफिशियल इयररिंग्स की, उसका शुरुआत किया था, क्योंकि उससे पहले मैं आर्टिफिशियल इयररिंग्स नहीं यूज़ करती थी। तो 4 सालों से मैंने जो भी परचेज़ किया हुआ है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि इस इयररिंग्स जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 रुपीज़ की है, ओनली 10 रुपीज़। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी इयररिंग्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं एलाबोरेट करके बताऊँ तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको वन बाई वन सारी इयररिंग्स की क्विक व्यू दे देती हूँ, और साथ ही मैं आपको इनकी प्राइस भी बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं लोअर रेंज से। फर्स्ट वन इज दिस वन, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, ये 10 रुपीज़ की है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप डेली वेयर कैजुअल ड्रेसेस और सूट किसी के भी साथ इसको पेयर करके पहन सकते हो। नेक्स्ट इयर रिंग इज दिस वन, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लंबा भी है, और इनकी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये आप देख सकते हो। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छे है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आप किसी भी कलर के साथ मैचिंग करके इसे परचेज कर सकते हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे इसलिए मैंने और एक इसका सेम दूसरा कलर परचेज किया था। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सो मच ब्यूटीफुल। यहाँ पर पैरोट ग्रीन कलर की बीड्स है और नीचे ऐसे कॉइन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी 10 रुपीज़ की ही है। और नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया था वो एक रेड कलर का है, आप देखिए। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और 10 रुपीज़ में इससे वाला डिजाइन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है और कहीं पे, और पहनने पे भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मैं जो अच्छा नहीं 10 रुपीज़ में मैंने स्टार्स भी लिए थे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये यहाँ पे ये एक ओल है जहाँ उसमें 2 स्टोन्स भी लगे हुए हैं और एक ऊपर है जो है डॉल्फिन की डिजाइन में। वैसे तो मैं स्टार्स नहीं पहनती बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इसलिए मैंने इसको परचेज किया था। अभी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ इयररिंग्स, उसका रेंज 30 रुपीज़ है। द फर्स्ट वन इज दिस वन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत ही ज़्यादा पैरअप, मतलब बहुत ही अच्छे से पैरअप हो जाएगा। ऊपर ऐसे आप देख सकते हो सर्कल बना हुआ है और नीचे ऐसे एक पाइनएप्पल है। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये एक झुमका है ब्लू शेड में। इस टाइप के मैंने और भी बहुत सारे झुमके परचेज किए थे, ये आप देख सकते हो। ये एक है पिंक कलर का, गोल्डन है ऊपर और नीचे पिंक कलर के घुंघरूस लगे हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक हूप्स सिल्वर कलर में, ये भी 30 रुपीज़ की है। और एक झुमका है ब्लू में,
और यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे से डिजाइन भी बना हुआ है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, ये भी 30 रुपीज़ की ही है। मैंने बहुत सारे झुमके लिए हुए, 30 रुपीज़ की जो रेंज है उसमें, और बहुत सारे इयर रिंग्स मैंने गिफ्ट भी कर दिया है फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, ये आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर ऐसा पीकॉक डिजाइन है और नीचे छोटा सा झुमका जिसमें आइवरी कलर का बीड्स लगे हुए हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये सिल्वर में है और ये 30 रुपीज़ की कोई भी नहीं बोल सकता है। ये चांद वाली डिजाइन में है और नीचे से घुंघरूस भी लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ऊपर यहाँ पे पिकअप बने हुए हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इन ब्लैक ऑक्सीडाइज, ये भी बहुत सुंदर है और ये इसके भी ऊपर पिकअक्स के डिजाइन है, आप देखिए। और पिंक कलर में इसमें, पिंक नहीं सॉरी मेरून कलर में, मेरून कलर की स्टोन्स लगे हुए हैं और छोटा सा झुमका है नीचे। नेक्स्ट इज दिस वन, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये एंटीक गोल्ड सेट में है और नीचे ऐसे घुंघरूस लगे हुए हैं ग्रे सेट में। और नेक्स्ट वाला जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने इसका दो सेट लिया था। एक है एक है ये, इसका जो शेप है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत इयर रिंग है और यूनिक भी है, इसलिए मैंने इस ऐसा वाला दो परचेज किया था, दो पेयर। यह है एक पैरोट ग्रीन और ये मेरून साइड में। नेक्स्ट जो इयर रिंग है वो भी 30 रुपीज़ की है और वो भी ब्लैक ऑक्सीडाइज में है, सॉरी सिल्वर ऑक्सीडाइज में है। ये ऊपर ऐसे छोटा सा गणपति बने हुए हैं और नीचे एलिफेंट और उसके नीचे ये घुंघरूस लगे हुए हैं पिंक शेड में। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये मल्टी कलर में है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, दिस वन, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी 30 रुपीज़ की है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगी वो है ये वाला, इसका जो कलर है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, डिजाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये वाला डिजाइन अभी भी है ट्रेंड में, बट जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने इसको परचेज किया था, अभी तक इसका कलर भी बिल्कुल भी जैसा है, मतलब फेड नहीं हुआ है थोड़ा सा भी। हाँ, इसका जो प्राइस था वो था 40 रुपीज़। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन, ग्रीन कलर में है और यहाँ पर एक फ्लावर की शेप बनी हुई है और ये ब्लैक मेटल में है और इसकी प्राइस थी 50 रुपीज़। नेक्स्ट जो इयर रिंग दिखाऊंगी वो मेरी फास्ट परचेज थी, 28 साल इयर रिंग की और ये एंटीक गोल्ड टोन में है, इसलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। आप देख सकते हो ऊपर पिक्के की डिजाइन बनी हुई है और ये नीचे एक झुमका। नेक्स्ट पीस इज दिस वन, ये थोड़े से हेवी है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको अब तक वेयर नहीं किया हुआ है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी जो प्राइस है वो शायद 70 या 80 रुपीज़ है। ये सारे के सारे इयर रिंग्स मैंने इसी मार्केट से परचेज किया है, ये वन टाइम परचेजिंग नहीं है, जब भी मैं जाती थी एक दो परचेज कर ही लेती थी।
और नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, स्पेशली मेरा फेवरेट है। आप देखिए ये गोल्डन ऑक्सीडाइज में विथ रेड कॉम्बिनेशन, मैं आपको सिंगल करके दिखा देती हूँ कि इसका डिजाइन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये वर्सेटाइल भी है, आप किसी भी इंडियन वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ इसको पेयर अप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये एक सेट है पेंडेंट और ये नेकलेस का, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका जो इयररिंग का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको सिर्फ इयररिंग को भी वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ पेयर अप कर सकते हो। और इसका जो नेकलेस की डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखिए सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।